हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। फर्स्ट प्रोडक्ट है गोरिल्ला पॉड जोबी कंपनी का। सेकंड कैमरा मैंने परचेज किया है अल्फा A7C सोनी कंपनी का। और थर्ड वन इज रोड का वायरलेस माइक्रोफोन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग विद जोबी गोरिल्ला पॉड। जब मैं जोबी गोरिल्ला पॉड को लेने गया और भी बहुत सारे प्रोडक्ट थे जो गोरिल्ला पॉड थे, लेकिन मुझे यही वाला पसंद आया क्योंकि यूट्यूबर्स जो हैं ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं। मैंने इसके बारे में सर्च भी किया था गूगल के ऊपर। इसके काफ़ी फीचर्स हैं, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है और ये होल्ड करता है अच्छे कैमरे को। आप इसको 360 एंगल से घुमा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जो इसका प्राइस है ऑस्ट्रेलियन $99.95 है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल गया था क्योंकि मैंने सारी चीज़ें एक ही दुकान से ली थी। तो ये देखिए, चेक करिए, यहाँ पर लेवल भी आप अच्छे से बना सकते हो और इसको अगर आप ओपन करोगे तो इसको हर जगह से घुमा सकते हो। तो यही बात मुझे अच्छी लगी। अगर मैं दूसरा लेता तो मे बी ये 360 एंगल का नहीं घूमता, आगे पीछे ऊपर नीचे आप घुमा सकते हो। और यहाँ पर लेवल चेक करने के लिए भी है कि आपका लेवल क्या है और आप कैमरे से अच्छे से इसको टिका सकते हो। इसको फोल्ड करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। खुद समझदार हो यार, अगर $99.95 का है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का तो वो अच्छा ही होगा प्रोडक्ट, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसको हम यूज़ करेंगे आगे। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बात करूँगा, रोड का वायरलेस गो जो लेटेस्ट मॉडल है अभी तक का। तो ये मैंने प्राइस आपकी आंखों के सामने है लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं वायरलेस लेता या मैं दूसरा लेता, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं काफ़ी अच्छे हैं, मैंने यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा था। तो जब आप खुद यूज़ करोगे तो ही आपको पता लगेगा ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिलेंगी आपको। तो अब हम इसको ओपन करते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे को मिलेंगी। जब इसको ओपन किया तो सबसे पहले ये बुकलेट है, इसके अंदर बताया गया, आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं इसको कैसे यूज़ करना, और ये माइक के ऊपर लगाने के लिए, और ये वायर हैं जो हम अटैच करेंगे कैमरा के साथ। देन आफ्टर एक और बुकलेट है, उसके साथ में हमें ये केस मिला है इसके अंदर रखने के लिए। जो माइक्रोफोन है दो हैं, ऑब्वियसली बात है, एक रिसीवर है एक ट्रांसमिशन है, और दो वायर्स इसके अंदर थी दोनों को चार्ज करने के लिए, सी पोर्ट वाली, और एक तरफ सी पोर्ट है और दूसरी तरफ USB है, दोनों सेम ही हैं। बहुत छोटा है, ब्लैक कलर का है, आप इसको अटैच भी कर सकते हो। ये देखिए, बहुत ही अच्छा स्टाइल है इसका, ब्लैक कलर का, और इसको आप अटैच कर दो, एक कैमरे के ऊपर लगेगा और दूसरा आप अगर जहाँ पर लगाना चाहते हो वहाँ पर। इसकी जो रोड की वॉइस क्लैरिटी है बहुत ही अच्छी है। इसके दूसरे माइक भी आते हैं, बहुत अच्छे हैं, दोनों यूज़ किए हुए हैं मैंने, ये फर्स्ट टाइम है, थोड़ा नेक्स्ट लेवल के ऊपर हम इसको लेके जाएंगे। और इसकी तरफ देखिए, ये कुछ बटन्स हैं, पोर्ट्स हैं, जब आप इसको यूज़ करोगे कनेक्ट होंगे अपने कैमरे के साथ, और चार्जिंग के लिए भी इसके पास सी टाइप, ये USB है और दूसरी तरफ सी टाइप की है जो कि हम यूजुअली यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स में। तो कोशिश करो अगर आपने अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है उसी के साथ करो जो आपको मिली है वायर, और इसके साथ जो मिला है उसी के साथ करिए। सो फाइनली वो टाइम आ गया कैमरा को ओपन करने का। सोनी अल्फा सीरीज A7C बहुत ही बेस्ट कैमरा है एज़ पर माई एक्सपीरियंस। अब इसको ओपन करते हैं। मैंने वैसे ओपन कर लिया था, मेरे से रहा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपके सामने दोबारा ओपन करूंगा। मैंने इसको पैक किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें बुकलेट्स हैं जो आपको बताएंगे कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है, लेंस है, और ये जो आप यूज़ कर सकते हो कैमरे को लटकाने के लिए, और ये लेंस है। ये लेंस मैंने बीच में ही लिया था, अकेली बॉडी भी मिल जाती है लेकिन मैंने विद लेंस लिया है, ये थोड़ा सा महंगा होता है और अच्छा लेंस है, 60mm तक है, 28 से 60mm। देन आफ्टर नीचे कुछ वायर्स हैं, इसमें मुझे ये एक बेनिफिट लगा, इनमें तीन वायर्स मुझे मिली, तीन वायर्स हैं इसमें।
जो आपका पोर्ट है, जो आप जिस भी कंट्री में रहते हो, तीनों में यूज हो जाएंगी। मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में जो यूज होती है वो भी वायर है, इंडिया में जो स्विच लगे हैं वो भी वायर है, और कहीं और भी किसी और कंट्री में भी हो तो भी आप कर सकते हो। ये बेस्ट बात लगी मुझे, नहीं तो मुझे आगे अडेप्टर लेना पड़ना था। तो ये बैटरी है, बैटरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है, और ये चार्ज करने के लिए वायर थी। अब हम निकालते हैं कैमरा को। यस, आप इसकी लुक देखना, जबरदस्त ब्लैक लुक, बहुत ही उमदा, सोनी अल्फा A7C जो आपकी आंखों के सामने है, वेरी नाइस, मैटिंग में है, ब्लैक में है, और बहुत ही अच्छा। मैंने इसको थोड़ा सा यूज करके भी देखा है, इसकी जो क्लैरिटी आ रही है, ओह माय गॉड, आई कैन नॉट एक्सप्लेन। तो अभी मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कैनन 200D DSLR से बना रहा हूँ, ये भी अच्छा है, लेकिन जब मैं इसको कंपेयर किया हूँ सोनी अल्फा A7C से तो इसकी क्लैरिटी मुझे कम लग रही है। तो यहाँ पर आप बैटरी डालोगे, इसमें बेनिफिट क्या है, आपको लॉक करना पड़ेगा, अगर आप लॉक नहीं करोगे तो वो बंद ही नहीं होगा, राइट। तो इसका बेनिफिट है ये। तो हम बैटरी डालते हैं, बैटरी दिखा के आपको, वैसे ये बैटरी चार्ज नहीं थी तो मैंने निकाल के इसको चार्ज किया ताकि मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा पाऊँ। ये अभी तक देखो, अब इसके अंदर लॉक करना पड़ेगा तो ही ये बंद होगा, बेस्ट पार्ट है ये। और अगर आपने बैटरी को निकालना है, ये ब्लू जो बटन लगा हुआ है, बटन नहीं, इसको रोकने के लिए इसको आप साइड पे करिए, दबाइए तो वो हो जाएगा। ये लॉक कर दिया, अब दूसरी साइड के ऊपर चलते हैं। दूसरी साइड में क्या है, यहाँ पर आप मेमोरी कार्ड डाल सकते हो, राइट, मेमोरी कार्ड इसके साथ नहीं मिलता है। फिर उसके बाद साइड से जब मैंने ओपन किया, यहाँ पर और भी पोर्ट्स हैं चार्ज करने के लिए। एक्चुअली आप चार्ज यहीं से करोगे, इसको अलग से बैटरी जो है वो चार्ज करने के लिए उन्होंने नहीं दिया है, तो मैंने कैमरा से ही कर लिया चार्ज। मेरे कैनन 200D में तो अलग से उन्होंने दिया था चार्जर, पर यहाँ पर नहीं मिला। तो यहाँ पर पोर्ट है अपने माइक को अटैच करने के लिए, बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अभी हम चलते हैं, इसको ओपन करते हैं, ओपन कर लिया, और फुल फ्रेम कैमरा है, मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा। ये जो वाइट डॉट है और लेंस के ऊपर जो वाइट डॉट है उसको हम बराबर रखेंगे इसको अटैच करने के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, कोई भी लेंस हमने अटैच करना है, वो अटैच हो चुका है। इसको ओपन करेंगे, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। तो यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसको प्रेस नहीं करना है, इसको ये देखिए ऑन और ऑफ। तो ये मैंने ऑन किया और ये मैंने साथ में ऑफ कर लिया, राइट। तो इससे ये तो आपको पता ही है, आपने जिस तरह से इसको सेटिंग करनी है मैनुअल सेटिंग कर सकते हो, और यहाँ से आप घुमा सकते हो, सारा कुछ इन्होंने यहीं पर दिया हुआ, ISO सारा कुछ, राइट। तो आगे चलते हैं हम, बहुत ही उमदा, और इसकी स्क्रीन भी बहुत बड़ी है और पकड़ने के लिए बिल्कुल ही आसान है, ग्रिप लगी हुई है, स्ट्रॉन्ग है। अब ये जो वीडियो बन रही है ये A7C से बन रही है, तो मैंने जस्ट टेस्टिंग की थी, अपने घर के बाहर जाकर जूम किया, और जो मौसम था आज का बहुत ही अच्छा था। A7C मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा, क्लैरिटी आप चेक कर सकते हैं, एकदम शीशा, एकदम क्लियर। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये ऑटो फोकस है, ये देखो मैंने हाथ किया, फोकस चला गया, ये आ गया। जब उसको ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो वो फोकस कर लेता है।